हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं अपने बीएफएम का मॉड्यूल नंबर बी का यूनिट नंबर 11 का एमसीक्यूज, जो कि बेस्ड है मार्केट रिस्क पे। तो मार्केट रिस्क एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपने यदि उसका अभी तक वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, उसके थ्योरी वीडियो यदि नहीं देखा है, तो आपको यहाँ पर मैं टॉप राइट कॉर्नर में प्रोवाइड कर देता हूँ, तो उसे एक बार जाकर आप देख लीजिए, थ्योरी वीडियो को समझिए और फिर इसके एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए। लगभग हम लोग 70 से 80 एमसीक्यूज कवर करेंगे इस पार्टिकुलर यूनिट से, ताकि आपका जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर से वो कवर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि जो ALM सपोर्ट ग्रुप है, जिसके अंदर ऑपरेटिंग स्टाफ होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनालाइज करने के, मॉनिटर करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए लिक्विडिटी प्रोफाइल को किसे? एसेट लाइबिलिटी कमेटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नन ऑफ द ऑप्शन। तो बताइए ALM सपोर्ट ग्रुप जो है लिक्विडिटी रिस्क प्रोफाइल किसे रिपोर्ट करते हैं? तो दोस्तों, उसका करेक्ट आंसर है एसेट लाइबिलिटी कमेटी, यानी जिसे शॉर्ट में हम लोग ALCO भी कहते हैं। ठीक है, इसे शॉर्ट में आप लोग क्या कहते हैं? ALCO। तो ये जो ALM ग्रुप है, ये रिपोर्ट करती है एसेट लाइबिलिटी कमेटी को। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं दोस्तों। द प्रोवाइडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट दैट इज कॉल्ड MIS एंड टू इम्प्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इज क्रिएटेड बाई। तो मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना और रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करवाना, ये किसका काम है? डीलिंग रूम का, ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेशन का, मिडिल ऑफिस का, एन एन ऑफ दिस? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिडिल ऑफिस। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना मैनेजमेंट को और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराना, दिस इज द फंक्शन ऑफ मिडिल ऑफिस। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि मार्केट वैल्यू किसी पोर्टफोलियो का 2 लाख रुपए से चेंज हो रहा है और 2% इंक्रीज हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो सेंसिटिविटी आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शंस दी गई हैं। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आपको पता है, ओवरऑल चेंज इन अदर फैक्टर बाय चेंजिंग एनी फैक्टर बाय अ यूनिट। तो यदि आप किसी एक फैक्टर को एक यूनिट से चेंज कर रहे हो, तो बाकी अदर फैक्टर में क्या चेंज हो रहा है, वही सेंसिटिविटी कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपका दो फैक्टर कौन कौन सा है? तो एक फैक्टर है मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो और दूसरा फैक्टर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक फैक्टर है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा फैक्टर है हमारा मार्केट वैल्यू। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2% इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, 2% इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो आपसे मार्केट वैल्यू, मार्केट देखिए, मार्केट वैल्यू कितना चेंज हुआ? 2 लाख रुपीज़ चेंज हुआ। तो यदि 1% इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट होगा तो कितना होगा, ये तो पूछ रहा है आपसे। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 1 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख का आपका सेंसिटिविटी होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। इन रिस्क मेजरमेंट द पैरामीटर दैट इज यूज टू कैप्चर डेविएशन ऑफ अ टारगेट वेरिएबल ड्यू टू यूनिट मूवमेंट ऑफ सिंगल मार्केट पैरामीटर से 1% चेंज इन इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड। तो जो जिस पैरामीटर के द्वारा आप टारगेट वेरिएबल के डेविएशन को कैप्चर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं सेंसिटिविटी, दैट इज नोन एज सेंसिटिविटी। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। एक 5 साल का 6% सेमी एनुअल बॉन्ड है, मार्केट यील्ड 8% दिया हुआ है, प्राइस ₹92 दिया हुआ है, प्राइस घटकर हो गया 91.80, यील्ड है 8.10%। तो आपसे पूछा गया है कि इसका BPV बताना है, यानी बेसिक पॉइंट वैल्यू बताना है। दोस्तों, ये भी कंसेप्ट समझ लीजिए, BPV का फॉर्मूला होता है चेंज इन वैल्यू अपॉन चेंज इन यील्ड। ठीक है, चेंज इन वैल्यू को नोमिनेटर में और चेंज इन यील्ड को डिनोमिनेटर में। तो बताइए दोस्तों, वैल्यू में कितना का चेंज हुआ? तो पहले वैल्यू था 92, घटकर हो गया 91.80, यानी 0.20 का आपका चेंज हुआ। ठीक है, और दोस्तों, यील्ड में कितना का चेंज हुआ? तो यील्ड था पहले 8%, अब हो गया बढ़कर 8.10%, तो यील्ड में 0.10 का चेंज हुआ। तो दोनों का आप यदि डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.02। तो ये 0.02 क्या है? हमारा BPV है। तो 0.02 इज BPV, बेसिक पॉइंट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक पॉइंट वैल्यू इज एसोसिएटेड विद। तो ये बेसिस पॉइंट वैल्यू किससे एसोसिएटेड है? रिस्क प्राइजिंग, रिस्क मेजरमेंट, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क कंट्रोल। तो बेसिस प्राइस वैल्यू एसोसिएटेड है दोस्तों रिस्क मेजरमेंट से। सो बेसिस पॉइंट वैल्यू इज एसोसिएटेड विद रिस्क मेजरमेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमने अभी डिस्कस किया है तो इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं दोस्तों, एक बॉन्ड पोर्टफोलियो है जिसमें बॉन्ड ए है जिसका मार्केट वैल्यू दे रखा है ₹300 करोड़ और मॉडिफाइड ड्यूरेशन दिया हुआ है 3.5 ईयर्स। बॉन्ड बी है, मार्केट वैल्यू दे रखा है 500 करोड़ और मॉडिफाइड ड्यूरेशन दिया हुआ है 0.5 ईयर। यहाँ पॉइंट छूट गया है दोस्तों, ये एक्चुअली में क्या है? 0.5 ईयर्स। ठीक है,
व्हाट इज़ द बीबीबी ऑफ द पोर्टफोलियो, तो आपको पोर्टफोलियो का बीबीबी बताना है। इस पोर्टफोलियो के अंदर दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड ए है और एक बॉन्ड बी है, और दोनों का मार्केट वैल्यू और मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको दिया गया है। तो आपसे पोर्टफोलियो का बीबीबी पूछा गया है। दोस्तों इसको समझिए, इसको समझिए, मैं आपको समझाता हूँ कैसे आप दो बॉन्ड के कम्बिनेशन के बीबीबी को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप बॉन्ड ए का बीबीबी निकालिए। तो बॉन्ड ए का बीबीबी आपको दिया हुआ है ना, बॉन्ड ए का बीबीबी कितना है देखिए, तो बॉन्ड ए का मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो बीबीबी आप देखिए, आपको पता है ना मॉडिफाइड ड्यूरेशन से आप चेंज इन प्राइस निकाल सकते हैं। तो चेंज इन प्राइस इक्वल टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन टाइम्स यील्ड चेंज, ठीक है। और यहाँ पे मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपका बॉन्ड ए का कितना है, 3.5 है, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप यील्ड चेंज यानी 0.01 से, ठीक है, क्योंकि बेसिस पॉइंट वैल्यू आपका 0.01 है। तो बेसिस पॉइंट चेंज, तो आपका जो चेंज इन प्राइस आएगा वो आएगा 0.035। उसी तरह बॉन्ड बी का आप यदि चेंज इन प्राइस निकालें तो सेम चीज़ है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन टाइम्स 0.01 आपको मिल जाएगा 0.050। तो पोर्टफोलियो का बीबीबी कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा, यानी 0.035 इंटू कितना मार्केट वैल्यू था 300 प्लस 0.050 इंटू 500 अपॉन 300 प्लस 500। देखिए दोस्तों वेटेड एवरेज कैसे निकलता है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो 0.035 है इसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 0.050 को आप 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बॉटम में आप क्या करेंगे 300 और 500 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या निकालेंगे, पोर्टफोलियो का बीबीबी, क्योंकि आपको मिल जाएगा 0.044375। तो ये जो है 100 फेस वैल्यू पे है, तो आपको पर करोड़ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख इंटू 100 ही आपका पर करोड़ होता है। तो इसको आप जो है 1 लाख से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको इतना पर करोड़ मिल जाएगा, तो 4437.50 पर करोड़, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4437.50 पर करोड़। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमने बता दिया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बेसिस पॉइंट वैल्यू इज़ द चेंज इन वैल्यू ड्यू टू 1 बेसिस पॉइंट चेंज इन मार्केट यील्ड। देखिए लिखा ही है साफ साफ कि यदि आपका मार्केट यील्ड, अब आप देखिए पिछले क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं कि मैंने 0.01 क्यों लिया। देखिए ये बेसिस पॉइंट वैल्यू का डेफिनेशन है कि यदि आपका मार्केट यील्ड 0.01% चेंज हो रहा है तो आपका प्राइस में क्या चेंज होगा, वही होता है हमारा बीबीबी, ठीक है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं रिस्क का मेजरमेंट के लिए। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, हायर द बीबीबी ऑफ बॉन्ड, हायर द रिस्क एसोसिएटेड विद द बॉन्ड, लोअर द बीबीबी ऑफ बॉन्ड, हायर द रिस्क एसोसिएटेड विद द बॉन्ड, हायर द बीबीबी ऑफ अ बॉन्ड, लोअर द रिस्क एसोसिएटेड विद द बॉन्ड। तो बताइए दोस्तों रिस्क और बीबीबी में क्या रिलेशन है। तो सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा बीबीबी होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क एसोसिएटेड होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आपके सामने चार ऑप्शन देख सकते हैं आप, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, जितना ज़्यादा बीबीबी उतना ही ज़्यादा रिस्क एसोसिएटेड विद द बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, डेली वॉलेटिलिटी ऑफ ए स्टॉक दिया हुआ है 1%, 16 डे वॉलेटिलिटी आपसे आपको बताना है, तो कह रहा है अप्रॉक्सीमेटली 4%, ठीक है। फिर कह रहा है वॉलेटाइल विल बी लेस, वॉलेटिलिटी विल बी लेस इफ टाइम हॉरिजन इज मोर। सी कह रहा है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो चेंजेस बाय ₹2 लाख व्हेन देयर 2% ग्रोथ। तो ये दोस्तों अभी हमने देखा है दोस्तों कि 2 लाख यदि 1% 2% पे हुआ तो 1% पे कितना होगा, 1 लाख होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और बी आर से हम लोग रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, आपसे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है दोस्तों। देखिए बी आर से रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करते, बी आर से हम लोग रिस्क मेजर करते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दैट इज वाई बी आर इज यूज टू वैल्यू एट रिस्क इज यूज टू मेजर रिस्क नॉट आइडेंटिफाई रिस्क, ठीक है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वोलेटाइल वोलेटिलिटी विल बी लेस टाइम, अभी हम लोग वोलेटिलिटी का फॉर्मूला देखेंगे तो देखेंगे कि अंडर रूट टी का स्क्वायर रूट होता है। तो यदि टाइम हॉरिजन ज़्यादा होगा तो वोलेटिलिटी भी आपका ज़्यादा होगा, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। और यदि डेली वोलेटिलिटी किसी स्टॉक का 1% है तो वोलेटिलिटी ऑफ टाइम हॉरिजन इज इक्वल टू डेली वोलेटिलिटी इनटू अंडर रूट टी। तो डेली वोलेटिलिटी आपका 1% दिया हुआ है और अंडर रूट 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ए और सी स्टेटमेंट सही है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमारा एक केस स्टडी है, इसको ध्यान से समझते हैं। यू हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक प्राइस मूवमेंट ऑफ शेयर प्राइस ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर 12 मंथ। तो 12 महीने तक का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका डिटेल दिया हुआ है, जो कि दिसंबर 2009 का है। देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक का दिया हुआ है ये क्लोजिंग प्राइस है। तो आपसे पहला पूछा गया है कि मीन प्राइस जो है वो 53.17 होगा, जो वेरियंस होगा वो 974.15 होगा, और जो वॉलेटिलिटी होगा वो 3.41 होगा। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है।
तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो आप मीन निकालिए, सबको जोड़िए और उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 638 मिलेगा इसका मीन, और 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 53.17 मिलेगा आपको, तो ये इसका मीन मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। यदि आप वेरियंस निकालते हैं तो वेरियंस निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, तो आपको सबका जितना भी डाटा है सबको मीन से माइनस करके स्क्वायर करना पड़ेगा, उसका समेशन करना पड़ेगा, और वेरियंस के लिए अंडर रूट एसटी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप करेंगे तो आपको जो वेरियंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो 974.15 मिलेगा, और वोलेटिलिटी जो होता है वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ वेरियंस, तो 31.21 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 1 एंड बी, ठीक है। आगे देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं करेक्ट पूछा गया है। वोलेटिलिटी कैप्चर बोथ अपसाइड पोटेंशियल एज वेल एज डाउनसाइड पोटेंशियल, बी में कर रहा है डाउनसाइड पोटेंशियल कैप्चर ओनली लॉस एंड इग्नोर प्रॉफिट पोटेंशियल, सी में कर रहा है डाउनसाइड पोटेंशियल इज एडवर्स डेविएशन ऑफ टारगेट वेरिएबल, और डी में कर रहा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी के सभी स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, कि वोलेटिलिटी अपसाइड को भी कैप्चर करता है और डाउनसाइड को भी कैप्चर करता है, बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड। डाउनसाइड पोटेंशियल कैप्चर्स ओनली लॉसेस एंड इग्नोर्स प्रॉफिट पोटेंशियल, ये भी सही है। डाउनसाइड पोटेंशियल इज द एडवर्स डेविएशन ऑफ टारगेट वेरिएबल, ये भी सही है। तो ऑल दिस थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को, इसमें कर रहा है रिस्क प्राइसिंग इंप्लाइज द फैक्टरिंग ऑफ रिस्क इनटू प्राइसिंग थ्रू कैपिटल चार्ज एंड लॉस प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर कर रहा है दोस्तों कि आपका ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। रिस्क प्राइसिंग से आप क्या करते हैं कि रिस्क का फैक्टरिंग करते हैं थ्रू कैपिटल चार्ज एंड लॉस प्रोबेबिलिटी। फिर अपसाइड पोटेंशियल इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, इधर से स्टेटमेंट है डाउनसाइड पोटेंशियल होगा, ठीक है। रिस्क प्राइसिंग इन बोथ पोर्टफोलियो बेस्ड एज वेल एज ट्रांजेक्शन बेस्ड, ये स्टेटमेंट सही है कि रिस्क प्राइसिंग पोर्टफोलियो बेस्ड भी होता है और ट्रांजेक्शन बेस्ड भी होता है। और डी में कह रहा है कि रिस्क प्राइसिंग इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फंड प्लस ट्रांजेक्शनल कॉस्ट प्लस कैपिटल चार्ज प्लस लॉस प्रोबेबिलिटी, ये भी स्टेटमेंट की आपका सही है। तो करेक्ट आंसर होगा ए सी एंड डी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, डाउनसाइड पोटेंशियल का दो कंपोनेंट होता है, कौन कौन सा, सेंसिटिविटी एंड पोटेंशियल लॉस, वोलेटिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, पोटेंशियल लॉस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, सेंसिटिविटी एंड वोलेटिलिटी। तो डाउनसाइड पोटेंशियल का जो दो कंपोनेंट है दोस्तों वो है हमारा पोटेंशियल लॉस और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पोटेंशियल लॉसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद वोलेटिलिटी इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट डैश ऑफ द टारगेट वेरिएबल विद अ रीजनेबल एक्यूरेसी। तो वोलेटिलिटी के द्वारा आप किसी टारगेट वेरिएबल का क्या एस्टिमेट कर सकते हैं, अब था अपसाइड पोटेंशियल डाउनसाइड पोटेंशियल दोनों या कुछ नहीं। तो दोस्तों वोलेटिलिटी से आप दोनों आप अपसाइड पोटेंशियल और डाउनसाइड पोटेंशियल यू कैन बोथ एस्टिमेट अपसाइड एवेल डाउनसाइड पोटेंशियल विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, होल्डिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज द स्मॉलेस्ट प्राइस वोलेटिलिटी। आपके सामने चार बॉन्ड दिए गए हैं, ठीक है। 5 साल का 0% कूपन बॉन्ड, 5 साल का 12% कूपन बॉन्ड, 5 साल का 14% कूपन बॉन्ड और 5 साल का 10% कूपन बॉन्ड। आपको यदि अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखना है, इनमें से कौन सा बॉन्ड होगा जिसका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइस वोलेटिलिटी होगा, तो करेक्ट आंसर है दोस्तों, सिंपल सी बात है, जो ड्यूरेशन होता है और आपका जो प्राइस वोलेटिलिटी होता है वो लोअर होता है जब कूपन रेट हायर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो वोलेटिलिटी है दोस्तों आपकी बॉन्ड का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके कूपन रेट से, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे बताइए कूपन रेट सबसे हाई किस में है, तो कूपन रेट सबसे हाई है सी में, तो सी नंबर ही आपका सबसे क्या होगा, स्मॉल प्राइस वोलेटिलिटी होगा। समझ में है कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए तो दोस्तों ये हमारा इस तरह से हम लोग MCQs को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको यदि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए यदि MCQ का PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे WhatsApp कीजिए, और ये पेड PDF है, मैं आपको पेड PDF का डिटेल प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, बैंकिंग बुक इज एक्सपोज टू मार्केट रिस्क बिकॉज इट इज़ ओपन टू मार्केट, गलत स्टेटमेंट है। बैंकिंग बुक इज एक्सपोज टू मार्केट रिस्क बिकॉज इट इज़ नॉट ओपन टू मार्केट, ये सही स्टेटमेंट है, ये भी गलत है। बैंकिंग बुक मार्केट रिस्क से क्यों एक्सपोज होगा, ट्रेडिंग बुक एक्सपोज होता है, बैंकिंग नॉट एज मार्केट से, देखिए ये स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। इन केस ऑफ बैंकिंग बुक एसेट एंड लायबिलिटी विच आर द फॉलोइंग फीचर्स आर करेक्ट, दे आर नॉर्मली हेल्ड टिल मैच्योरिटी, एक्रुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अप्लाई, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज यूज्ड, दीज आर पार्टली हेल्ड टिल मैच्योरिटी एंड पार्टली डिस्पोज ऑफ बिफोर मैच्योरिटी। तो बताइए दोस्तों बैंकिंग बुक के केस में जो एसेट एंड लायबिलिटी होता है इनमें से कौन सा फीचर करेक्ट है। दोस्तों इसमें आप देखेंगे बैंकिंग बुक के केस में तो बैंकिंग बुक को आप मैच्योरिटी तक हेल्ड करते हैं और एक्रुअल सिस्टम अप्लाई होता है, ये दोनों नहीं होगा, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक ब्रांच है जिसने सैंक्शन किया टर्म लोन 10 लाख का टर्म लोन सैंक्शन किया, 7 साल के लिए सैंक्शन किया, 3% प्लस बेस रेट ऑफ योर बैंक, फंडिंग इज डन फ्रॉम डिपॉजिट ऑफ 3 ईयर एट 7% इंटरेस्ट।
तो देखिए ये लोन है और फंडिंग कहाँ से हो रहा है वो देखिए, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर पेमेंट ऑफ लोन एंड विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट फॉर कस्टमर। तो ये ट्रांजेक्शन किस रिस्क से एक्सपोज्ड है? तो दोस्तों ये जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे देखिए, इस केस में हमारा जो रिस्क होगा यहाँ पे दो चीज़ है, एक हमारा लोन है, लोन हमारा एक एसेट है, और एक हमारा लायबिलिटी है, ठीक है। तो लायबिलिटी से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने एसेट को रिकवर कर रहे हैं, या उल्टा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क होने का संभावना है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए प्रीपेमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है, विड्रॉल भी कोई, जब भी कोई प्रीपेमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता है तो वहाँ पे एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क होने की संभावनाएं रहती है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर नॉट करेक्ट? तो ट्रेडिंग बुक के रिगार्डिंग आपसे वो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। दे आर नॉर्मली नॉट हेल्ड टू मैच्योरिटी, दे आर नॉर्मली लिक्विडेटेड इन द मार्केट आफ्टर होल्डिंग फॉर अ लिमिटेड पीरियड, दे आर वैल्यूड पीरियडिकली अकॉर्डिंग टू देयर करंट मार्केट वैल्यू कॉल्ड मार्केट टू मार्केट, दीज आर वैल्यू एट देयर एक्विजिशन प्राइस रिस्पेक्टिव ऑफ करंट मार्केट वैल्यू। दोस्तों यदि हम ट्रेडिंग बुक की बात करें तो ट्रेडिंग बुक के केस में उसको हम लोग मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसको लिक्विडेट करते हैं मार्केट में होल्डिंग फॉर लिमिटेड पीरियड, मतलब कि आपका जब मन किया उसको आपने लिक्विडेट कर दिया, फिर उसको पीरियडिकली वैल्यू करते हैं। लेकिन जो डी कर रहा है कि एक्विजिशन प्राइस पे, ये गलत है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हमने देखा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन था, बैंक ब्रांच ने सैंक्शन किया टर्म लोन 10 लाख का 7 साल के लिए 3% प्लस बेस रेट पे, और फंडिंग कर रहे हैं 3 साल के डिपॉजिट का 7% पे। लेकिन 3 साल के बाद जब फंडिंग ऑफ टर्म रिकॉर्ड का रिक्वायरमेंट हुआ, डिपॉजिट रेट डिफरेंट हो गया, तो इस केस में ट्रांजेक्शन कैसे रिस्क को फेस करेगा? तो दोस्तों इस केस में जो ट्रांजेक्शन है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क को फेस करेगा। देखिए जब भी प्री पेमेंट की बात आती है तो वहाँ पे हमारा एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेट ही चेंज हो गया, तो रेट चेंज होने के कारण हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर इज करेक्ट? कंटिजेंट एक्सपोजर मे बिकम फंड बेस्ड, कंटिजेंट एक्सपोजर कैन बी अ पार्ट ऑफ बैंकिंग, कंटिजेंट एक्सपोजर कैन बी, यहाँ पे कैन छूट रहा है दोस्तों, ये सी छूट रहा है, कैन बी ऑफ ट्रेडिंग बुक, ऑल द अबव। तो दोस्तों ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर के बारे में यदि हम बात करें कि कंटिजेंट एक्सपोजर जो है एक फंड बेस हो सकता है, ये बैंकिंग का पार्ट हो सकता है, और ये जो है ट्रेडिंग बुक का भी पार्ट हो सकता है, ठीक है। कैन बी पार्ट ऑफ बैंकिंग, दोस्तों यहाँ बुक छूट गया, यहाँ पे बुक भी ऐड कर लीजिए, बैंकिंग बुक, ठीक है। तो कंटिजेंट एक्सपोजर जो है दे कैन बी पार्ट ऑफ बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग बुक और फंड बेस, तो ऑप्शन नंबर 4 ऑल द अबव, ठीक है। आगे देखते हैं, या बॉन्ड जिसका मैच्योरिटी 5 साल रह गया है, वो उसका यील्ड है 6% और मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 5 साल का, तो मैकलॉट ड्यूरेशन आपसे पूछा गया है। तो मैकलॉट ड्यूरेशन का फॉर्मूला है मॉडिफाइड ड्यूरेशन इक्वल टू मैकलॉट ड्यूरेशन अपॉन 1+R। आर क्या होता है दोस्तों? यील्ड होता है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए तो मैकलॉट ड्यूरेशन हो जाएगा मॉडिफाइड ड्यूरेशन टाइम्स 1+R, 5 × 1.06 यानी 5.30। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किसी बॉन्ड का ड्यूरेशन जो है बढ़ता है किसके बढ़ने से? टर्म मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी, कूपन रेट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, नॉन ऑफ दीज आर करेक्ट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है टर्म ऑफ मैच्योरिटी। देखिए जो ड्यूरेशन और टर्म ऑफ मैच्योरिटी में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, और ड्यूरेशन और यील्ड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स, हमने देखा है दोस्तों, हमने पिछले बताया था ना आपको कि देखिए किसी बॉन्ड का जो ड्यूरेशन होता है, और या आप YTM की बात करें, यील्ड टू मैच्योरिटी की बात करें, वो उसके कूपन रेट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यदि वही ड्यूरेशन की हम बात करें, वो तो ड्यूरेशन जो है और मैच्योरिटी टर्म का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, मैच्योरिटी टर्म टू मैच्योरिटी का, तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैकलॉट ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड? ये हमने देखा है दोस्तों, अभी सॉल्व किया है इसको हमने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरेशन इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ द इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी, विच मीन्स दैट कि ड्यूरेशन जो है आपका डायरेक्ट मेजरमेंट है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी का किसी एसेट या लायबिलिटी का। इसका क्या मतलब है? स्मॉलर ड्यूरेशन द मोर सेंसिटिविटी द प्राइस ऑफ द एसेट और लायबिलिटी, द लार्जर ड्यूरेशन द लेस सेंसिटिविटी द प्राइस ऑफ दैट एसेट एंड लायबिलिटी, द लार्जर ड्यूरेशन द मोर सेंसिटिविटी द प्राइस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अब बताइए दोस्तों कि ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन का क्या सिग्निफिकेंस है? तो ड्यूरेशन का सिग्निफिकेंस ये है कि जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा उस एसेट का प्राइस या उस लायबिलिटी का प्राइस। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, एक बॉन्ड है जिसका ड्यूरेशन 8 साल दिया हुआ है, 10% यील्ड दे रहा है, यील्ड बढ़कर 0.60% बढ़ गया, तो आपको बताना है कि बॉन्ड के प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो ये बताना है कि बॉन्ड के प्राइस पे इसका इम्पैक्ट बताना है। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज इक्वल टू मैकलॉट ड्यूरेशन अपॉन 1+Yield, और दो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, परसेंटेज चेंजिंग प्राइस इक्वल टू नेगेटिव और मॉडिफाइड ड्यूरेशन टाइम यील्ड चेंज। तो पहले मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकाल लीजिए, मैकलॉट ड्यूरेशन कितना है आपका? तो मैकलॉट ड्यूरेशन है दोस्तों 8, ठीक है, तो आप यहाँ से 8/1+1 लगा दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका
जो ये आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन है वो निकल जाएगा, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस के लिए आप उसको फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए तो आपको मिल जाएगा 0.4.36, ठीक है। और नेगेटिव है तो ये फॉल होगा, प्राइस बढ़ता है तो बॉन्ड का यील्ड घटता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, मकलर ड्यूरेशन दिया हुआ है 10%, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन पूछा गया है, ठीक है। तो सेम है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन को मकलर ड्यूरेशन अपॉन 1+ यील्ड 7.2727 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 साल का 8.75% बॉन्ड है, सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट है, यील्डिंग 8% पे है, 7 साल रिमेनिंग है मैच्योरिटी के लिए, मॉडिफाइड ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो ये इक्विवेलेंट है रिसीविंग ऑफ बुलेट पेमेंट, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकाल लीजिए, अब बुलेट पेमेंट इक्वल टू कूपन रेट टाइम्स मैच्योरिटी पीरियड, तो यहाँ पे आपका 8.857 टाइम्स 7 ईयर्स, तो 61.25 टोटल पेमेंट इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस बुलेट पेमेंट, क्योंकि 161.25 हो जाएगा। आप इस बेसिस पे मैक्लर ड्यूरेशन निकाल लीजिए 6.40.365, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकल जाएगा, तो आंसर मिलेगा आपको 161.25 पर बॉन्ड आफ्टर 2 to 4 6 डेज, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, VAR इज स्टैटिस्टिकल मेजर टू कैप्चर, तो VAR से आप क्या करते हैं, तो दोस्तों VAR से आप क्या करते हैं, VAR से आप किसी इन्वेस्टमेंट का रिस्क को मेजर करते हैं, ये एस्टिमेट करता है हाउ मच अ सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइट लूज गिवन नॉर्मल मार्केट कंडीशन इन अ सेट टाइम पीरियड सच एज अ डे। VAR इज टिपिकली यूज बाई फर्म एंड रेगुलेटर इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री टू गेज द अमाउंट ऑफ एसेट नीडेड टू कवर पॉसिबल लॉस, तो प्रोबेबल लॉस इन द पोर्टफोलियो विद इन द टाइम हॉरिजन एट अ गिवन कॉन्फिडेंस लेवल, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। VAR इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस फॉर अ गिवन पोर्टफोलियो ऑफ एसेट लाइबिलिटी कंटिजेंट एसेट एसेट लाइबिलिटी, तो VAR जो होता है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होता है किसी भी गिवन पोर्टफोलियो किसका, तो दोस्तों वो है हमारा एसेट और लाइबिलिटी दोनों का। नेक्स्ट है, वैल्यू एट रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वोलेटिलिटी टाइम्स नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन रिक्वायर्ड फॉर गिवन कॉन्फिडेंस लेवल, बी कर रहा है वोलेटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन रिक्वायर्ड फॉर गिवन कॉन्फिडेंस लेवल, सी कर रहा है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन रिक्वायर्ड फॉर गिवन कॉन्फिडेंस लेवल डिवाइडेड बाय वोलेटिलिटी, डी कर रहा है बी और सी एनी। दोस्तों वोलेटिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन से तो हमें मिलता है वैल्यू एट रिस्क, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं, सेंसिटिविटी दिया हुआ है 6000, वोलेटिलिटी दिया हुआ है 3%, डिफिशियंस पीरियड दिया हुआ है 1 डे, डिफिशियंस फैक्टर दिया हुआ है 99%, कॉन्फिडेंस इंटरवल 2.326, आपको मतलब डिफिशियंस फैक्टर जो है 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे आपको 2.326 दिया हुआ है, आपसे VAR पूछा गया है। तो दोस्तों VAR निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंसिटिविटी टाइम्स डेली वोलेटिलिटी टाइम्स डिफिशियंस फैक्टर, तो आपको 6000 टाइम्स 3 टाइम्स 2.326 करना है तो VAR आपको मिल जाएगा। VAR का क्या मतलब है, VAR का मतलब है मैक्सिमम पॉसिबल मार्केट लॉस ऑफ अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम हॉरिजन एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, ऑप्शन नंबर दोनों का दोनों मतलब है, ठीक है। आप पोटेंशियल लॉस भी देखते हो, ठीक है, आपका VAR से हम लोग लॉस ही देखते हैं दोस्तों, ठीक है। वैल्यू एट रिस्क इज अ रिस्क असेसिंग मॉडल सुटेबली एम्प्लॉयड टू असेस विच फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, तो वैल्यू एट रिस्क से हम लोग कौन से फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को असेस करते हैं, सेटलमेंट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मिसमैच रिस्क, नन। तो दोस्तों वैल्यू एट रिस्क से हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क को क्या करते हैं, असेस करते हैं, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इंटरेस्ट रेट रिस्क। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाउ वैल्यू एट रिस्क इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग रिस्क, तो VAR क्या इंडिकेट करता है कि कितना पोटेंशियल लॉस है जो कि बैंक के अर्निंग या नेटवर्थ का इफेक्ट करेगा, तो यही VAR का हेल्पफुल है। आगे देखते हैं, वी प्राइस वोलेटिलिटी डिपेंड्स ऑन यील्ड वोलेटिलिटी एंड मार्केट वैल्यू, यील्ड वोलेटिलिटी BBB एंड मार्केट वैल्यू, यील्ड वोलेटिलिटी मार्केट वैल्यू एंड यील्ड, तो प्राइस वोलेटिलिटी किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, तो तीनों पे डिपेंड करेगा। दोस्तों VAR एनालिसिस शुड बी कम्प्लीमेंटेड बाय स्ट्रेस टेस्टिंग बिकॉज, क्यों VAR के बाद स्ट्रेस टेस्टिंग रिक्वायरमेंट क्यों है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि समराइजेस द एक्सपेक्टेड लॉस ओवर अ टारगेट हॉरिजॉन्टल विद अ मिनिमम कॉन्फिडेंस इंटरवल, इट प्रोवाइड्स अ मैक्सिमम लॉस एक्सप्रेस इन डॉलर, असेसेस द बिहेवियर ऑफ पोर्टफोलियो 99% कॉन्फिडेंस लेवल, फिर तीसरा कह रहा है कि आइडेंटिफाई द लॉसेस दैट गो बियॉन्ड द नॉर्मल लॉस बियॉन्ड मेजर ऑफ VAR, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक है दोस्तों वो क्या करता है कि वो आइडेंटिफाई करता है कि जो लॉसेस को आइडेंटिफाई करता है जो कि नॉर्मल लॉसेस जो कि VAR के द्वारा मेजर किया जाए तो उसके बियॉन्ड चला सकता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इन विच मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग VAR द चेंज इन द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इज कैलकुलेटेड यूजिंग अ सैम्पल ऑफ रैंडमली जनरेटेड प्राइस सिनेरियो, आपको बताना है कि VAR के किस मेथड के अंतर्गत आपका जो पोर्टफोलियो में जो चेंज इन वैल्यू है वो कैलकुलेट होता है सैम्पल ऑफ रैंडमली जनरेटेड प्राइस सिनेरियो, हिस्टोरिकल सिमुलेशन, मॉन्टे कार्लो, कोरिलेशन, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका मॉन्टे कार्लो, द हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच इन मार्केट कैलकुलेट। तो दोस्तों जो हमारा हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच है वो क्या करता है, वो एक्चुअल हिस्टोरिकल मूवमेंट बताता है अंडरलाइंग एसेट का स्टार्टिंग फ्रॉम करंट वैल्यू ऑफ द एसेट, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, एक्चुअल हिस्टोरिकल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग VAR नीड अ वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स,
तो किसमें वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स आई है, हिस्टोरिकल सिमुलेशन में, मॉन्टे कार्लो में, कोरिलेशन में, या किसी में नहीं? तो दोस्तों कोरिलेशन में आया, कोरिलेशन मेथड में आपको वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स चाहिए, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो आपका कोरिलेशन मेथड जो है जिसमें VR कैलकुलेट करते हैं उसमें वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स चाहिए। 42 नंबर क्वेश्चन है, VR के किस मेथड कैलकुलेशन में यूजर डज नॉट हैव टू मेक एजम्पशन अबाउट कोरिलेशन एंड डायनेमिक ऑफ द रिस्क फैक्टर बिकॉज द सिमुलेशन फॉलो एवरी हिस्टोरिकल मूव। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन मेथड। VR के किस कैलकुलेशन में पोर्टफोलियो का जो वैल्यू का चेंज है उसको सैंपल ऑफ रैंडमली जनरेटेड प्राइस सिनेरियो से कैलकुलेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर है मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 है, इसको आप खुद देख लीजिए, बहुत लंबा क्वेश्चन है। द मेथड फॉर कैलकुलेशन वैल्यू एट रिस्क इज डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। तो कौन सा मेथड है? तो वो है कोरिलेशन मेथड। एज्यूमिंग द वोलेटिलिटी एंड कैलकुलेट, एज्यूमिंग वी एस्टिमेट वोलेटिलिटी एंड कैलकुलेट वन डे VAR। तो वोलेटिलिटी इज मीन रिवर्टिंग, व्हाट कैन वी से अबाउट टी डे VAR? तो दोस्तों अंडर रूट टी टाइम्स वन डे VAR होता है। ठीक है, ये आपको पता है अंडर रूट टी टाइम्स वन डे VAR होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डी। ठीक है, ओके। बैक टेस्टिंग इज डन टू टेस्ट ए मॉडल, कंपेयर मॉडल टेस्ट एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस, नॉट दिस। तो बैक टेस्टिंग से हम लोग मॉडल टेस्ट कंपेयर करते हैं और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। द प्रोसेस वेयर मॉडल बेस्ड VAR इज कंपेयर्ड विद एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो नोन एज, उसको बैक टेस्टिंग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पॉसिबल चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो दैट कुड अराइज ड्यू टू नॉन नॉर्मल मूवमेंट ऑफ द मॉनिटरी पैरामीटर। दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। जब भी एक या एक ज़्यादा पैरामीटर में नॉन नॉर्मल मूवमेंट होता है उसके कारण हम लोग यदि मार्केट वैल्यू के पॉसिबल चेंज को निकालें तो उसे हम लोग स्ट्रेस टेस्टिंग कहते हैं। डैश इज द मेजर ऑफ द वर्स्ट एक्सपेक्टेड लॉस ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल अंडर नॉर्मल मार्केट कंडीशन एट अ गिवन कॉन्टिन्यूस लेवल, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं VAR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग? तो स्ट्रेस टेस्टिंग का प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट पैरामीटर, स्ट्रेस क्वांटम, डिटरमाइनिंग टाइम हॉरिजन। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका तीनों। आप मार्केट पैरामीटर को आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रेस क्वांटम को और टाइम हॉरिजन को भी डिसाइड करते हैं। सो 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VAR एनालिसिस शुड बी कम्प्लीमेंटेड बाई स्ट्रेस टेस्टिंग बिकॉज, ये हमने देखा है कि स्ट्रेस टेस्टिंग आइडेंटिफाई लॉसेज दैट गो बियॉन्ड द नॉर्मल लॉसेज मेजर बाई VAR। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्ट्रीम वैल्यू थ्योरी इज यूज बाई स्ट्रेस फैक्टर फॉर स्ट्रेस टेस्टिंग। फॉर एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी का काम क्या है कि आप पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस को एसेस करते हैं किसी पोर्टफोलियो पे किसी एक्सट्रीम या पॉसिबल स्टेट ऑफ वर्ल्ड के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VAR इज नॉट एनफ टू एसेस मार्केट रिस्क और पोर्टफोलियो स्ट्रेस टेस्टिंग डिजायरेबल बिकॉज। तो स्ट्रेस टेस्टिंग क्या करता है दोस्तों? आपको जो भी एबनॉर्मल मार्केट मूवमेंट है उसके उस कारण से जो रिस्क होता है उसको एसेस करने में हेल्प करता है VAR, ये हमने देखा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेस टेस्टिंग यूजिंग सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट इन्वॉल्व। तो सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट में आप क्या करते हैं कि किसी पोर्टफोलियो के रिस्क को एसेस करते हैं बाय आइडेंटिफाइंग द मोस्ट पोटेंशियली डैमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मूव्स ऑफ मार्केट रिस्क फैक्टर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस टेस्टिंग? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसे आप इवेल्यूएट करते हैं पोटेंशियल इंपैक्ट को, ये रिस्क मैनेजमेंट टूल भी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ रिस्क इन ट्रेजरी ऑपरेशन? तो ट्रेजरी ऑपरेशन में दोस्तों आप ड्यूरेशन को यूज करते हैं और वैल्यू एट रिस्क को यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच इज विच स्ट्रेस इज नॉट अप्लाइड इन स्ट्रेस टेस्टिंग? सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट, सिनेरियो टेस्ट, मिनिमम लॉस, मैक्सिमम लॉस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है मिनिमम लॉस। स्ट्रेस टेस्टिंग में आप सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट, सिनेरियो टेस्ट और मैक्सिमम लॉस अप्लाई करते हैं, मिनिमम लॉस नहीं अप्लाई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द लीडिंग स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक? तो लीडिंग स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक है दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी सिनेरियो एनालिसिस। ठीक है, तो दोस्तों बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बाकी MCQs हैं, कुल मिलाकर आपका इस टॉपिक में 68 MCQs है। दोस्तों यदि चीज़ें आपको क्लियर हुई हों, लेसन पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि इस तरह के PDF चाहिए आपको जिसमें हर एक तरह के MCQs मिले तो इस नंबर पर आप मुझे WhatsApp कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।